जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित अमित भूषण, मेरी YouTube चैनल श्री अक्षय ज्योतिष दर्पण में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपके लिए मैं विशेष जानकारी लेके आया हूँ। आगे 2019 आ रहा है, तो इस 2019 में जनवरी का मास आपके लिए कैसा रहेगा, जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, संपूर्ण 12 राशियों के लिए यह महीना कैसा होगा, ये सब जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को आप पूरा देखें, जिससे आप पूरी राशियों का फलादेश सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो व्यक्ति होता है उसकी राशि का बड़ा महत्व होता है, और राशि से जुड़े हुए कई चीजें होती हैं जुड़ी हुई, जिससे हम जान सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा। तो ये सब चीजें हम राशि से जान सकते हैं, और उसमें हम आगे अपना भविष्य जानकर अगर कदम उठाएं तो उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। तो इसीलिए आप ये वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि 2019 जनवरी में मेष राशि के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। मित्रों, अंग्रेजी नववर्ष का ये मास मेष राशि के लिए व्यापार धंधों में सफलतादायक सिद्ध होगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी, मनोबल बढ़ेगा, फिर भी स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखना जरूरी है। यात्रा एवं दौड़ धूप से मन व्यथित रह सकता है, खर्चा अधिक रहेगा। इस महीने की जो तारीख है वो बता देता हूं, उस पे आप विशेष ध्यान रखें। जनवरी माह है कि 2, 3, 13, 14, 22, 29 और 31 तारीख जो है, इस पे सावधानी पूर्वक आपको ये तारीखें बितानी है, ध्यान रखें। ये मेष राशि का फलादेश था, आपको मैंने बताया। दूसरी जो राशि है वृष राशि, वृष राशि के लिए जनवरी माह है कैसा रहेगा। जनवरी में वृष राशि वाले जातकों के शरीर में रोग पीड़ा से मन अशांत रहेगा, जिससे क्रोध की अधिकता बढ़ेगी। स्त्री सुख सहयोग उत्तम रहेगा, संतान की चिंता बनी रहेगी। व्यापार धंधों में प्रगति नए समझौतों पर निर्भर रहेगी। उसके बाद में इस महीने में आपको जो ये तारीखें हैं इन पे विशेष ध्यान रखना है। जनवरी महीने की 4, 5, 6, 14, 23 और 24 जो तारीख है उसको सावधानी से निकालें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 2019 जनवरी का महीना पूर्वार्ध में पारिवारिक उलझनों से घिरा रहेगा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा, अपव्यय अधिक रहेगा, यानी खर्चा अधिक रहेगा। जनवरी के महीने में राज्य भय एवं भाई बंधुओं से उलझन हो सकती है। महीने के अंत में मेहनत रंग लाएगी और जितने भी अटके हुए कार्य हैं वो सब बनते हुए नजर आएंगे। जनवरी महीने की मिथुन राशि वालों के लिए 7, 8, 9, 17, 25 और 26 तारीख सतर्कता से बिताने योग्य है। चार नंबर पे बात करेंगे हम कर्क राशि की। दोस्तों, अंग्रेजी नव मास में कर्क राशि के लिए आरोग्य, अन्न, धन, वस्त्र आदि की प्राप्ति होगी, और इस प्राप्ति से मन के अंदर उत्साह बढ़ेगा। भाग्य सहारा देने से अधूरे जो राजकार्य आदि हैं वो सफलता से पूर्ण हो जाएंगे। नए मित्र व श्रेष्ठ जनों का संपर्क पड़ने से कार्यों में उन्नति के अवसर बढ़ेंगे। मास के अंतर्गत 1, 9, 10, 11, 19, 27, 28 जनवरी की जो तारीखें हैं वो शुभ कार्य में कमी कारक रह सकती है। चलिए हम बात करते हैं सिंह राशि की। पांच नंबर में सिंह राशि है। अंग्रेजी नव मास 2019 जनवरी का माह है, सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा। इस महीने में इष्ट मित्रों के सहयोग से काम बनते नजर आएंगे। शत्रु आपके हैं जो कमजोर पड़ते दिखाई देंगे, परास्त होंगे। दौड़ धूप की अधिकता शरीर में कमजोरी पैदा कर सकती है। आर्थिक हानि से ऋण लेने की आवश्यकता आपको महसूस होगी। जनवरी महीने की 2, 3, 4, 12, 21, 22, 29
30 और 31 तारीखें सावधानियों के बनी है आपके लिए। 6 नंबर पर बात करेंगे कन्या राशि की। चलिए दोस्तों, जनवरी का माह है, कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा? नए मास आरंभ में उद्योग धंधे में लाभ, घर में मांगलिक कार्य का संपादन होगा, मन में उमंग की वृद्धि रहेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, किंतु अधिक व्यवहारिकता यानी अधिक मेल जोल हानिकारक हो सकता है। मित्रों का सहयोग समय समय पर आपको मिलता रहेगा। मास के अंतर्गत 1, 2, 11, 12, 19, 20 और 28 तारीख हैं वो साधारण फल देने वाली हैं। इन तारीखों पे आप विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं 7 नंबर पे तुला राशि की। मित्रों, जनवरी मास में तुला राशि कारोबार धंधों में लाभ कम और खर्चे की अधिकता रहेगी। भाई बंधुओं के मनमुटाव से मन अशांत रहेगा। गुप्त शत्रु हानि कर सकते हैं तुला राशि वालों को, अतः सावधानी रखना आवश्यक है। धर्म कर्म में रुचि बनी रहेगी। इस महीने की 7, 8, 9, 17, 18, 25 और 26 तारीखें सतर्कता से बिताएं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। यह था तुला राशि का फलादेश। अब 8 नंबर पर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जनवरी 2019 वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा? मास फल उत्तम है, मानसिक शक्ति का विकास है, रोजगार में बढ़ोतरी होगी, राजनेताओं से संपर्क की वृद्धि होगी, साहस पराक्रम एवं अधिकार क्षेत्र का आपका विस्तार होगा, महत्वाकांक्षाएं जागृत होगी, स्त्री व संतान सुख भी बढ़ेगा। इस महीने की 1, 9, 10, 19, 20, 27 और 28 तारीखें आपको शुभ फलों में कमी कारक रह सकती है, विशेष ध्यान रखें। चलिए हम बात करते हैं धनु राशि की। अंग्रेजी नववर्ष के प्रथम मास में व्यवसायिक कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना आपको करना पड़ेगा। मनोबल में कमजोरी ला सकती है। प्रयत्न व परिश्रम करने से मनोरथ आपके सिद्ध हो जाएंगे। इसके साथ साथ व्यक्तित्व का विकास भी होता रहेगा। अत्यधिक व्यस्तता कमजोरी ला सकती है शरीर के अंदर। इस महीने की 2, 3, 4, 12, 14, 21, 22, 29, 30 और 31 तारीखें आपको शुभ फलों में कमी ला सकती है, विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि दोस्तों जनवरी में कैसी रहेगी? इस नवीन मास आर्थिक परियोजनाओं में उठा पटक रहेगी। भाग्य अवरोधक स्थिति से मनोबल कमजोर रहेगा। भाग्य में बाधा आ सकती है, इसलिए मनोबल कमजोर पड़ेगा तथा धार्मिक आस्था आपकी कम होती नजर आएगी। क्रोध व जोश में कोई भी निर्णय नहीं ले। अगर क्रोध में या जोश में कोई निर्णय ले लिया तो उसमें आपको हानि होने की संभावना रहेगी। जनवरी महीने में 4, 5, 6, 14, 15, 16, 23 और 24 जनवरी सतर्कता से व्यतीत करें तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मित्रों कुंभ राशि की। अंग्रेजी नूतन मास में पूर्व चल रहे व्यापारिक प्रतिष्ठान लाभ की स्थिति में बने रहेंगे। शरीर सुख में थकावट के साथ साथ खर्चे की अधिकता बढ़ेगी। घर में बड़े लोगों का समागम होगा। अधिकारी वर्ग से सहयोग मनोबल को बढ़ावा देगा और इस महीने में आपके घर में नए मेहमान आ सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए 7, 8, 9, 17, 18, 25 और 26 जो तारीखें हैं वो साधारण फल देने वाली है। अब अंतिम में करते हैं मीन राशि की बात। चलिए दोस्तों, मीन राशि कैसी रहेगी जनवरी में? इस मास में मीन राशि वालों के उत्साह उमंग की वृद्धि होने से अधूरे काम बनते नजर आएंगे। सत्पुरुषों से मिलन धार्मिक रुचि को बढ़ाने में सहयोग रहेगा, किंतु स्त्री संतान सुख मध्यम रहेगा। शुभ दशा वालों को अन्न धन वस्त्र स्वर्ण व रत्न आदि का लाभ होगा। मास के अंतर्गत 1, 9, 10, 11, 19, 20, 27 और 28 जो तारीख है वो शुभ फलों में न्यूनता वाली बनी हुई है। तो मित्रों, मेष से लेकर मीन तक मैंने आपको फलादेश बताया। इसी तरह मैं हर महीने का फलादेश आपको बताऊंगा। आप देखते रहिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलता हूं, फिर मिलूंगा। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे।